हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम वेस्टिजियल ऑर्गन का के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, किस तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन आज के टाइम में या हमारे पूर्वजों से हम तक ये वेस्टिजियल ऑर्गन इवॉल्व हुए हैं, क्या उनका यूज है या उनका यूजलेस थे इसलिए इवॉल्व हो गए हैं, तो आज हम वेस्टिजियल ऑर्गन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम आपके पास 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन आर दोज ऑर्गन विच आर रूडिमेंट्री एंड फंक्शनलेस इन इवॉल्व फॉर्म बट आर वेल डेवलप्ड एंड फंक्शनल इन एंसेस्टर फॉर्म। मीन्स वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि रूडिमेंट्री होते हैं, ठीक है, एंड फंक्शनलेस। रूडिमेंट्री मीन्स प्रिमिटिव, ठीक है, एंड फंक्शनलेस मीन्स जिनका आज के टाइम में कोई भी यूज नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, फंक्शनलेस होते हैं। क्यों फंक्शनलेस क्यों हुए, क्योंकि जब हमने उनका कोई भी यूज नहीं करा तो हमारी बॉडी में उनका फंक्शन नहीं हुआ, फंक्शन नहीं हुआ तो रिड्यूस हो गए, रिड्यूस हो गए तो आगे जाके इवॉल्व ही नहीं हो पाए, तो ऐसे ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। फंक्शनलेस इन इवॉल्व फॉर्म बट are well developed and functional in ancestor form। हमें तो वो evolve, हमें क्या हो गए, useless थे, functionless थे, इसलिए क्या हो गए, काम के नहीं आए तो इसलिए वो विलुप्त हो गए। लेकिन जो हमारे ancestor थे, हमारे evidence हम पढ़ रहे, ठीक है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन आते हैं, पर लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उसमें ये वेस्टिजियल ऑर्गन पाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम इवॉल्व हुए उनसे, अपने पूर्वजों से हम तक आए, धीरे धीरे करके क्या हुआ, कंटिन्यूस क्या हो गया, इवोल्यूशन होता गया, कंटिन्यूस ग्रोथ होती गई, कंटिन्यूस चलने वाली जो इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, हमसे हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनमें भी कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होगा। तो ये जो हमारे पास इवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व हुए, ठीक है, तो हमारे पास इनका कोई फंक्शन नहीं था इसलिए इनका यूज नहीं था इसलिए ये रिड्यूस हो गए, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर थे उसमें ये फंक्शन कर रहे थे तो इसलिए उनमें ये इवॉल्व थे, हम ऐसे ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन के कुछ एग्जांपल हमारे पास है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन के सपोज हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं एयर पिन्ना, ठीक है। एयर पिन्ना में क्या होते हैं, बोन में, एयर पिन्ना में यहाँ पर जो बोन होती है मंकी में, तो उनकी बोन में मसल्स होते हैं, और उन मसल्स का उन मसल्स से क्या करता है, उसको मूवमेंट करने में फायदा होता है, तो उसने इसका लगातार यूज किया तो इसलिए उसका उसके पास ये मसल्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो मसल्स क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट एंड रिलैक्स होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मसल, टेल बोन, ह्यूमन में क्या था, वर्टिब्रल जो कॉलम था उसमें टेल बोन पाई जाती थी, लेकिन ये हमारे एंसेस्टर पे था, धीरे धीरे करके इस टेल बोन का कोई भी यूज नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज के जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग है उनमें ये फंक्शन क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, यूजलेस था, फंक्शनलेस था, तो इसलिए क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास विस्डम टीथ। विस्डम टीथ आपके पास बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलते हैं, तो ये भी हमारे पास इवॉल्व हो गया। फोर्थ एग्जांपल है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का एग्जांपल, जब हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पढ़ते हैं तो ह्यूमन में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नहीं पाया जाता, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स था, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ह्यूमन बीइंग में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं था, यह फंक्शनलेस था, पर लेकिन हमारे पूर्वजों में लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स था, उनमें यह फंक्शन था, ठीक है, फंक्शन कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे करके इसका फंक्शन कम हो गया, रिड्यूस हो गया ऑर्गन, तो ये फंक्शन लेस हो गया, जिसकी वजह से ये रिड्यूस हो गया, इवॉल्व हो गया आज के समय में। लेकिन ये तो ह्यूमन बीइंग की बात थी, लेकिन एनिमल में ये क्या होता है, फूड को एनिमल में ये पाया जाता है और ये हेल्प करता है, तो इसलिए ये उसमें वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल थे वेस्टिजियल ऑर्गन को, जो कि आपने डिस्कस करना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके से होता है, और नेचुरल सिलेक्शन में भी किस तरीके से एविडेंस आते हैं, किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए।